जनपद फिरोजाबाद में थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव लखनपुरा में कुछ दिन पहले गीता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना में गोली मारने के मामले में मुख्य रूप से मोहित का नाम प्रकाश में आया था, जो कि घटना को अंजाम देने के बाद घटना स्थल से फरार हो गया था। नसीरपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि घटना में शामिल मोहित लखनई गांव से केसरी गांव की पुलिया की ओर आ रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की घेराबंदी शुरू कर दी। आरोपी ने पुलिस द्वारा खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में आरोपी के सीधे पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल होकर गिर गया। उसकी बाइक घटना स्थल पर ही रह गई, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है। आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, किस तरह का प्रकरण था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, 15 तारीख की रात में लखनपुर गांव में एक विवाद में गोली चली थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद परिजनों के तहरीर पर हम लोगों ने मुकदमा कायम किया था। उसमें 8 नामजद मुलजिम थे और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज कराई गई थी। उसके बाद हमारी SOG, जो हमारे जनपद की SOG टीम है, और प्लस SHO CO सिरसागंज के निर्देशन में इन लोगों ने लगातार इन सभी मुलजिमों के पीछे अपनी सारी टीमें लगा दी थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास चल रहे थे। जगह जगह पर चेकिंग लगाई जा रही थी। आज यहाँ पे केसरी पुलिया के पास शाम के समय चेकिंग कर रहे थे, जब ये SOG की टीम और थाना नसीबू के SHO, उसी समय एक TVS बाइक से एक व्यक्ति आ रहा था, और जब उस हमारी चेकिंग को टीम को देखा तो उसके बाद से वहाँ से वो वापस भागने लगा। वापस भाग रहा था तो हम लोग को संदेह हुआ, हम लोगों ने उसका पीछा किया, उसने हमारे पुलिस टीम पर फायर किया, जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी। तत्काल हम लोगों ने यहाँ पर उसको शिफ्ट किया और रास्ते में उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम मोहित बताया। ये वही मोहित है जो उस दिन लखनपुर के महिला की हत्या में जो मुख्य आरोपी था, ये वही है। इसके पोजीशन से हम लोगों ने वो बाइक बरामद की है और एक तमंचा बरामद किया है। 2 जिंदा कारतूस भी इसके पास मिला है, 2 खोखा राउंड भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस घटना में जो मुख्य आरोपी था, जो जिसने घटना कारित किया था मोहित, उसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बाकी मुलजिम है उसके लिए भी हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार हम लोग गए हुए हैं, उन लोगों की बहुत जल्दी राउंड अप करेंगे। पकड़े गए आरोपी ने क्या बताया, घटना के पीछे क्या वजह रही? अभी इन लोगों की आपसी रंजिश है, अभी तो तत्काल वो इलाजरत है, अभी उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। DG महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।